अस्सलाम वालेकुम नाज़िर। नाज़िर क्या हाल चाल? ठीक ठाक नाज़िर। आज का हमारा मौजू है जो निडर गाज का जो निडर सुई बार बार टूट रही है, उसकी क्या वजह है। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहले जो सुई लगी थी पहले जो, वो देखें ये भी टूटी है। तो मैंने दूसरी तार लगाई, आपको दिखाऊं कि ये सुई टूट क्यों रही है बार बार। ये देखें, ये क्या इसका नोक वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फुट खोलेंगे, फिर नीडल प्लेट खोलेंगे, फिर देखेंगे सुई लग कहाँ रही है। ये देखें, ये आपको निशान नजर आ रहे हैं, ये शटर के, ये सुई शटर पर लग रही थी और शटर पर लगने से इसकी बक्स की पतरी है वो भी टूट गई है। ये देखें, अभी भी टच हो रही है। देखें ये देखिए, मैंने मशीन सीधी करी नीचे उठा ली है। अब इसको देखते हैं क्या वजह है। शटर बॉक्स खोलेंगे, देखते हैं क्या वजह है, सुई बार बार क्यों टूट रही है। ये भी उतारते हैं, ये देखें। ये मेरे पास मशीन आई है ठीक होने के लिए, सुइयां तोड़ी थी, इसका जो बक्स का रिंग है ये उल्टा लगा हुआ है। देखें, और सुइयां जो टूटी हैं दो, उसकी वजह से ये पतरी जो आप देख रहे हैं, ये देखें ऊपर वाली, ये भी टूट चुकी है। ये देखें, इसके दो हिस्से हो गए इस पतरी के। देखिए दूसरा, ये सुइयां लगने से एक तो पतरी टूट गई है, दूसरा ये देखें इसका जो बक्स का रिंग है ये उल्टा लगा, गलत लगा है, यानी ये ठीक लगा हुआ, ये रिंग सीधा लगा है। ये वाला तरीका ठीक है रिंग लगाने का, और ये वाला आप देख रहे हैं ये गलत तरीका है। ऐसे रिंग लगाने से सुई भी टूटेगी और मशीन स्किप भी करेगी, सिलाई अच्छी तरह नहीं आएगी, सुई बार बार टूटेगी। जब ये लूजिंग होगी तो ऑटोमेटिक सुई शटर पर लगेगी और सुई टूट जाएगी। ये वाली देख रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आप रिंग सीधा लगाएंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ रिंग कैसे सीधा किया जाता है। देखें, ऐसे आपने रिंग लगाएंगे। देखें, ये ऐसे बिल्कुल ठीक बैठ चुका। देखें, आपने ऐसे लगाना, तो ये पतरी आप देख रहे हैं। देखें, सबसे पहले आपने नाज़िम जी, तो आपका रिंग का जो मैंने तरीका बताया ये बिल्कुल ठीक लगा है, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब शटर बॉक्स मैं मशीन पर लगाऊंगा और आपका जो मसला था मैंने आपको बता दिया है।
लेकिन जब सुई टूटती है तो रिंग उल्टा लगने से सुई टूटती है। दादी मैं पतली भी नहीं लगाने लगा हूँ। दादी देखे इसमें ये लूजिंग कम हो चुकी है, देखे काफ़ी कम हो चुकी है, पहले ज़्यादा थी, तो ऐसे होना चाहिए। अब बक्सा हम मशीन पर लगाएंगे, ये रिंग सीधा करने से और ये वाली पतली लगाने से, नई पतली लग गई ऊपर बक्स वाली और रिंग जो उल्टा लगा हुआ था वो मैंने सीधा कर दिया, तो मशीन ठीक हो चुकी है। हमारा मकसद है सिर्फ आपको सिखाना काम। देखिए जो पहले शटर पर सुई लगती थी वो टूट जाती थी, अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आज का हमारा मौजूद था नीडल क्यों टूटती है बार बार, तो ये हमने आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया है, बल्कि आपको सिखा भी दिया है कि कैसे ठीक की जाती है मशीन। नाज़रीन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी मैसेज किया करें। इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनने के साथ आपके सामने हाजिर होंगे नया मौजू लेकर। अल्लाह हाफिज़।